गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे इज वेडनेसडे। आज हम कौन सा सब्जेक्ट करेंगे? मैथ्स। मैथ्स में चैप्टर नंबर 31 स्टैंडर्ड वन चैप्टर नंबर 31। इसमें क्या है, अभी तक हमने क्या किया था? सब्ट्रैक्शन किया था, सब्ट्रैक्शन विद बोरिंग किया था, विदाउट बोरिंग, विद बोरिंग, अब सब्ट्रैक्शन वर्ड प्रॉब्लम्स। जिससे हमने प्लस में किया था कि इतनी चीज़ है और हमको दो और चीज़ मिल गई, तो हमने उसमें प्लस किया था, ऐड किया था। इसमें क्या होगा कि हमको अगर दो लड्डू है हमारे पास और हमने दो लड्डू ही खा लिए, तो हमारे पास क्या होता है, कुछ नहीं बचा था, जीरो हो जाता है। जैसे टू पेंसिल्स हों और एक पेंसिल्स हमारी टूट गई है, तो कितनी पेंसिल्स बच गई हमारे पे? वन। ओके, जो लेफ्ट हो जाता है उसको हम कहेंगे सब्ट्रैक्शन। ओके, जैसे लिखा है सिक्स लड्डू वेयर केप्ट इन ए प्लेट वेवो एट वन। सिक्स लड्डू जो थे वो किस कहाँ रखे थे? प्लेट में रखे थे। कहाँ रखे थे? प्लेट में रखे थे। और वैभव ने एक खा लिया। वैभव ने क्या किया? एक खा लिया। तो हाउ मैनी लड्डूज आर लेफ्ट इन द प्लेट? और प्लेट में जब ऐड आता है, मोर वर्ड आता है, मोर MORE मोर आता है, तो वहाँ पर हमेशा प्लस करेंगे, एडिशन करेंगे। और जहाँ लेफ्ट वर्ड आता है वहाँ पे ये शोल्ड आता है, लेफ्ट आता है, ये शोल्ड आता है, उसमें हम क्या करेंगे? हमेशा माइनस करेंगे। ओके, तो वैभव एट वन, वैभव ने कितने खा लिए? एक लड्डू उसमें से खा लिए। उसके पास कितने लड्डू थे? छः लड्डू थे। छः लड्डू में से एक लड्डू उसने खा लिया, तो कितने लड्डू प्लेट में बच गए? फाइव। ओके, तो तो वर्ड प्रॉब्लम में फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम करेंगे, ये करेंगे आप सब्ट्रैक्शन वर्ड प्रॉब्लम। सब्ट्रैक्शन वर्ड प्रॉब्लम। आपको बताया एडिशन हमने मोर लिखा था यानी प्लस किया था, इसमें हम क्या करेंगे? लेफ्ट लिखेंगे, तो हमेशा क्या लिखेंगे? माइनस करेंगे। तो देखिए सिक्स लड्डू वर कैप्ट इन अ प्लेट, एक प्लेट में कितने लड्डू थे? यहाँ पर हम लिखते हैं एक एग्जांपल दिखाते हैं। सिक्स लड्डू वर कैप्ट in a plate, in a plate, okay? Plate में कितने लड्डू थे? प्लेट में कितने लड्डू थे? एक लड्डू था। वैभव एट वन, उसमें से वैभव ने एक खा लिया। वैभव How many laddus
How many laddus are kept in a plate? Are kept in a plate. In a plate. Okay. यहाँ पर हम लिखेंगे, ये तो क्वेश्चन आ गया कि उसके प्लेट में कितने लड्डू थे, 6 लड्डू थे, उसमें से वैभव हमने कितने लड्डू खा लिए, 1 लड्डू वैभव हमने खा लिए, तो कितने लड्डू बच गए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टोटल लड्डू कितने थे, 6। टोटल लड्डू कितने थे, 6। कितने थे हमारे टोटल लड्डू, 6। वैभव 8, 1। ओके, उसने कितने लड्डू खा लेते थे, 1। तो लड्डू लेफ्ट कितने हो थे, 5। कितने बच गए, 5। तो पीछे में से एक खा लिया हमने लड्डू, तो कितने बच गए, 5। ओके, सेकंड है, और जहाँ लेफ्ट वर्ड आएगा वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, माइनस। ठीक है, लेफ्ट इन है, हाउ मैनी हमारे लड्डू आर लेफ्ट है, कैपने लेफ्ट है, लेफ्ट इन है प्लेट, कितने प्लेट में बचे थे, लेफ्ट जहाँ पे आएगा वहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा लेफ्ट। फिर 2 नंबर पे आता है, और 2 आउट ऑफ पे आएगा, जैसे लेफ्ट आता है तो वहां पे मैंने बताया कि माइनस आता है, जहां मोर आता है वहां पे सोल्ड आएगा वर्ड, तो वहां पे भी माइनस होता है, और आउट ऑफ आएगा मतलब इतने में से इतना हमने घटा दिया, तो आउट ऑफ आएगा वहां पे भी हम क्या लगाएंगे, सब्ट्रैक्शन यानी माइनस लगाएंगे, सब्ट्रैक्शन यानी माइनस लगाएंगे। ओके, तो 2 आउट ऑफ 7 क्लोथ्स व्हिच वेयर वाज वेयर शर्ट, फाइंड आउट द नंबर ऑफ अदर क्लोथ्स। टोटल क्लोथ्स 7 क्लोथ्स हमारे सूट रहते हैं, उसमें से 2 कपड़े जो होते हैं, 2 जो है वो शर्ट हैं, तो नंबर ऑफ क्लोथ्स कितने हो गए वो फाइंड करना है। आउट ऑफ 7 एनिमल्स ऑन डे एंड्स फार्म, 3 आर काउस, फाइंड द नंबर ऑफ अदर एनिमल्स। फिर नीचे लिखा राकेश, 8, 1 बनाना आउट ऑफ 4 बनाना स्केप ऑन द प्लेट, हाउ मेनी बनानास आर लेफ्ट। फटाफट करते हैं, ये टोटल क्लोथ जो 2 नंबर का है उसमें क्या लिखा है, 2 आउट ऑफ 7 क्लोथ्स व्हिच वेयर वॉस्ड वेयर शर्ट, फाइंड आउट द नंबर ऑफ अदर क्लोथ्स। टोटल क्लोथ्स कितने हैं, टोटल क्लोथ्स कितने हैं, 7 माइनस, उसमें से 2 क्लोथ्स क्या हो गए, आउट ऑफ 2 आउट ऑफ 7 क्लोथ्स व्हिच वेयर वॉस्ड वेयर शर्ट्स, उसमें से वॉस्ड शर्ट्स उसमें से 2 शर्ट है, तो अदर का कितने होंगे वो माइनस है, अदर शर्ट, उसमें से टोटल 2-7 है, उसमें से शर्ट 2 है, तो अदर कपड़े कितने हो गए, अदर क्लोथ्स 7 में से माइनस किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सबसे 2 काट देंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, आंसर इज 5। लिख लीजिए,
कितने और 10 कपड़े कितने हो गए हमारे 5, कितने थे हमारे पास 7 रोज थे, उसमें से 2 शर्ट थी, तो अदर कितने बच गए 5 अदर कपड़े हो गए। ओके, थर्ड वन इज राकेश एट वन बनाना, राकेश ने एक बनाना खा लिया, टोटल कितने बनाना थे 4 बनाना, तो उसमें से एक का खा लिया तो कितने बच गए 3। ओके, नेक्स्ट इज टोटल बनाना कितने थे, अब हम करते हैं 3 नंबर का फटाफट कर लेते हैं। 3 नंबर टोटल एनिमल्स ऑन फार्म, एनिमल्स फार्म में कितने एनिमल्स हैं 7 एनिमल्स ऑन फार्म 7 कितने एनिमल्स हैं 7 उसमें से देंद्रस फार्म में कितने हो गए 3 काउस, उसमें से काउस कितने हैं 3, तो अदर एनिमल्स कितने हो गए वो बताना है हमको, अदर एनिमल्स सेवन में से 3 कैसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 3 माइनस कर देंगे 3 काट देंगे तो कितने बच गए 1 2 3 4, तो 7 माइनस 3 कितना हो गया 3, तो अदर एनिमल्स कितने हो गए 3 हो गए, तो 4 हो गया सॉरी, एनिमल्स हमारे फार्म में कितने थे 7 थे, उसमें से काउस कितनी थी 3 थी, तो अदर एनिमल्स कितने बच गए हमारे, तो 7 में से माइनस 3 कट कर दिए तो कितने बचे 4, कितने अदर एनिमल्स है 4। ओके, अब फोर्थ वन इज, अब आता है टोटल स्कूटर्स कितने हैं, आउट ऑफ 9 स्कूटर एट ए स्टैंड, एक स्टैंड में 9 स्कूटर रखे हैं आर रिमूव्ड, हाउ मेनी स्कूटर्स आर लेफ्ट, और उसमें से स्कूटर रिमूव्ड कितने कर दिए हैं 6, तो स्कूटर कितने बच गए हैं वो लिखना है, टोटल स्कूटर्स लिखेंगे, स्कूटर रिमूव कितने हो गए 6 हो गए, तो 9 में से 6 कट कर दिए,
तो कितना बच गया, 3 बच गया। ओके, इस तरह से हम सारे वर्ड प्रॉब्लम सम्स को इस तरह से लिखेंगे, 3 स्टेप्स में आएंगे, 3 स्टेप्स में अच्छी तरह से हम करेंगे। जब भी अगर आप इस तरह से अच्छी तरह प्रॉपरली करोगे तो आपको मार्क्स भी कम्प्लीट फुल मिलेंगे। आंसर सही होना चाहिए, माइनस का साइन हो, अगर सब्ट्रैक्शन पूछा गया है तो ऑलवेज साइन माइनस का, अगर एडिशन पूछा गया है तो ऑलवेज साइन प्लस का। ओके, और मोर वर्ड जहाँ आएगा वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, प्लस। जहाँ सोल्ड आएगा, लेफ्ट आएगा, आउट ऑफ आएगा, वहाँ हम कैसे पहचानेंगे कौन सा हमारा प्रॉब्लम सम्स है, सब्ट्रैक्शन माइनस का है। ओके, अब आता है राकेश, 8-1 बनाना आउट ऑफ 4 बनाना स्कैट ऑन द टेबल। हाउ मेनी राकेश के पास कितना, राकेश ने कितना बनाना, खाली एक खाली और प्लेट में कितने, 4, तो 4 माइनस 1 करेंगे। चलिए नंबर डालिए 5। बर्थडे पार्टी में 15 दोस्तों को बुलाया था, उसमें से 2 दोस्त उसके नहीं आए, तो कितने दोस्त बच गए थे, तो 15 माइनस 2 करेंगे, हाय। पहले फटाफट कर लेते हैं, तो 15 माइनस 2 कितना हो गया, 13। ऐसे ही लास्ट है, आनंद है 27 स्टैम्प्स, ही गेव 3-2 प्रास, हाउ मेनी स्टैम्प्स हैज आनंद नाउ, कितने स्टैम्प थे उसके पास, 27, कितने स्टैम्प थे, 27, उसमें से माइनस कितने हो गए, प्रास ने ले लिए 3, ठीक है, कितने स्टैम्प बचे, ऐसा माइनस से 7 में से 3 गया, कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 4 बचा, 7 माइनस 3 कितना हो गया, 4, तो कितना हो गया, 4, ओके, स्टे सेफ, स्टे होल्ड।